दोस्तों देश में इस वक्त आईपीएल का खुमार और उसका फ्लेवर अलग ही लेवल पर है। रंगीन क्रिकेट, फुल ऑफ कलर्स, डांस, रोमांस, एक्शन और ग्लैमर का तगड़ा तड़का। टीमें पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, टूर्नामेंट में जम करके खर्च हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आईपीएल में ये पैसा कहां से आ रहा है, फ्रेंचाइजीज कैसे पैसा कमा रही हैं, आईपीएल के एक सीजन से बीसीसीआई कितना पैसा कमा लेती है, आईपीएल से सिर्फ क्रिकेटर या टीम के ऑनर्स या एडवर्टाइजर्स ही कमा रहे हैं या फिर पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही कमाने में जुटा हुआ है। आपके दिमाग में भी सवाल आ रहे होंगे कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स से मिल रहा है और किस किस सेक्टर को कितनी कमाई मिल रही है। तो चलिए दोस्तों आसान भाषा में समझते हैं इस आईपीएल का बिजनेस मॉड्यूल जो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ललित मोदी जो आज की डेट में भगोड़ा है उसने कितना तगड़ा दिमाग लगाया था। दोस्तों आईपीएल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट्स में से एक बन चुका है और क्रिकेट के मामले में तो ये दुनिया में नंबर वन है ही। इसके टोटल दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा फैन है, 90 करोड़ तो भारत में ही है। और दोस्तों आईपीएल की टोटल वैल्यूएशन 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है जो इस वक्त फुटबॉल के बाद दुनिया का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्पोर्ट बन चुका है। आईपीएल की सक्सेस का हिसाब केवल इसी बात से आप लगा सकते हैं कि साल 2008 में जब ये लॉन्च हुआ था तो टोटल 8 टीमों की वैल्यूएशन 3000 करोड़ रुपए हुआ करती थी। और दोस्तों पिछले ही साल जो नई टीम बिकी है वो अकेली ही 7000 करोड़ में बिकी है। आईपीएल टीम की वैल्यू पिछले 15 सालों में 17 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब इन टीमों और इनके मालिकों पर पैसों की तगड़ी बौछार हो चुकी है और इससे देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बहुत तगड़ा असर पड़ा है। तो दोस्तों इस मामले में सबसे पहला योगदान हमारे देश की जीडीपी पर कितना पड़ा है जरा ये देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत में फेस्टिव सीजन्स के दौरान जीडीपी ऊपर जाती है, यानी तब आदमी जमकर के खरीदारी करता है और ऐसा ही आईपीएल के दौरान भी हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के दौरान 3.2 बिलियन डॉलर का डायरेक्ट ट्रेड हुआ है। केपीएमजी की रिपोर्ट कहती है कि केवल 7 दिनों के टूर्नामेंट के अंदर ही 1150 करोड़ रुपए डायरेक्टली ग्राउंड पर ही खर्च हो रहे हैं और इससे भारत की किसी भी सिटी के टूरिज्म को भी बूस्ट मिल रहा है। विदेशी और देश के दूसरे हिस्सों के लोग मैच देखने पहुंचते हैं, लिहाजा आईपीएल के दौरान ट्रेवल बुकिंग ही 30% तक बढ़ जाती है। मतलब दोस्तों जितने भी बार टूरिस्ट आते हैं, होटल्स में रुकते हैं, लोकल मार्केट में खरीदारी करते हैं, खाना पीना करते हैं, तो इससे इकोनॉमी बढ़ना वैसे भी तय है। इतना नहीं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी एकेडमीज हैं, जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, उन सब में तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है, उनकी सेल बढ़ चुकी होती है। टी शर्ट से लेकर के बाकी सामान लगातार बिकते हैं। इतना नहीं, स्टेडियम और घरों में टीवी के सामने जो लोग बैठ करके देखते हैं वो ज्यादा कंज्यूम भी करने लग जाते हैं और इन कंज्यूमर आइटम्स की तादाद भी और इनकी बिक्री भी बढ़ जाती है। आपने देखा भी होगा कि आईपीएल के दौरान 500 से ज्यादा कंपनियां ऐड कर रही हैं जिनके आइटम्स की बिक्री में लगातार इजाफा देखा गया है, मतलब कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही बेनिफिट में है। टीवी, एसी, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, टीवी ऑपरेटर्स, डीटीएस की सेल बढ़ चुकी है और इससे आप देख सकते हैं कि कितना रोजगार भी जनरेट हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो जितने भी स्टेडियम थे उनको सजाने धजाने पर भी जबरदस्त खर्चा हुआ है, कई नए स्टेडियम बने हैं। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि इनमें करोड़ों का खर्च आता है, लिहाजा वहां लोगों को रोजगार मिल ही रहा है, अब इनकी मेंटेनेंस में भी लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों इसके कारण भारत की पॉजिटिव इमेज भी दुनिया के सामने जा रही है, तो वही दोस्तों इससे सरकार भी मोटी कमाई कर रही है। जब से आईपीएल आया है बीसीसीआई सरकार को टैक्स दे रही है, हर साल 350 करोड़ का टैक्स दिया जाता है जो अभी तक के टोटल टैक्स को मिलाकर के 3500 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बीसीसीआई के द्वारा सरकार को डायरेक्टली दिया जा चुका है। ये टैक्स तो बीसीसीआई ने सरकार को दिया है, इसके अलावा हर टीम के ओनर ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उनका टैक्स भी सरकार को मिल रहा है। वहीं करोड़ों रुपए में बिकने वाले क्रिकेटर्स पर भी टैक्स लगता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक और सवाल कौंध रहा होगा कि आईपीएल से कमाई हो कैसे रही है। तो दोस्तों ये कमाई का असली कुआं है, इसमें इनकम के एक दो नहीं बल्कि इनकम के कई सोर्सेज हैं। इस गेम में कदम कदम पर नेम और फेम है और ये ही रेवेन्यू को जनरेट करता है। इसमें 4 पॉइंट्स बेहद खास हैं। पहला है मीडिया एंड डिजिटल राइट्स,
दूसरा है टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स, तीसरा है कमर्शियल एंड किट स्पॉन्सरशिप और चौथा है लोकल रेवेन्यू। दोस्तों मीडिया एंड डिजिटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये वो कीमत है जिसे चुकाकर चैनल वाले आईपीएल टीवी पर लाइव दिखाते हैं। सैटेलाइट टीवी चैनल्स भारी भरकम कीमत देकर के मीडिया राइट्स खरीदते हैं, इनसे होने वाली कमाई का आधा हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रखती है और आधा हिस्सा सभी टीमों में डिवाइड कर दिया जाता है। साल 2008 यानी पहले सीजन के दौरान ही सोनी ने 10 साल के लिए टूर्नामेंट की टीवी राइट्स खरीदे थे। घाटे में चल रहे सेटमैक्स के लिए ये बहुत बड़ा जुआ था जो उसके लिए सही साबित हुआ। सोनी ने ये 8200 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद यानी साल 2018 से साल 2023 तक की मीडिया राइट्स स्टार इंडिया के पास है। अब आते हैं दूसरे मेजर कमाई वाले पार्ट पर जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो दोस्तों डीएलएफ आईपीएल, वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल यानी पैसे देकर के आईपीएल से खुद का नाम जोड़ने वाली स्कीम, जो कंपनी सबसे ज्यादा बोली लगाती है उसे टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, यानी क्रिकेट से अपना ब्रांड प्रमोशन। ये आईपीएल की कमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। फिलहाल टाटा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है। टाटा ग्रुप ने दो सीजन के लिए 670 करोड़ रुपए में ये राइट्स खरीदे हैं। दोस्तों इससे पहले वीवो ने अपने डील को बीच में ही तोड़ दिया था, जिसके लिए उसने टर्मिनेशन फीस भी दी थी। इस तरह बीसीसीआई ने साल 2022-23 में कुल 1124 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसमें से आधा पैसा बीसीसीआई ने अपने पास रखा है तो आधा पैसा टीमों में बांट दिया है। दोस्तों कमाई के मामले में तीसरा पॉइंट बेहद खास है, यानी कमर्शियल एड और किट स्पॉन्सरशिप। मैच में जब भी कोई ओवर खत्म होता है और उस थोड़ी देर के ब्रेक में चलते हैं टीवी पर एडवर्टीजमेंट्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैच के बीच में चलने वाले 10 सेकंड के विज्ञापन का स्लॉट 15 लाख के आसपास का होता है। चिप बनाने वाली कंपनी से लेकर के कोल्ड ड्रिंक्स और छोटी बड़ी न जाने कितनी ही कंपनियां हैं जिनकी सेल इस दौरान बढ़ जाती है। मैच के दौरान चलने वाले इन विज्ञापनों से बीसीसीआई की कमाई का 20% हिस्सा आता है। इसके अलावा टी शर्ट, कैप, हेलमेट, स्टंप्स, यहां तक कि अंपायर की ड्रेस में बने लोगों में भी फ्रेंचाइजी अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। तो वही कमाई के मामले में फोर्थ पॉइंट है लोकल रेवेन्यू, जिसमें आती है लोकल स्पॉन्सरशिप और प्राइज मनी। तो दोस्तों मैच की टिकट बिक्री में हर साल केवल एक मैच के दौरान ही 5 करोड़ रुपए तक की कमाई हो जाती है, और अगर मुकाबला किसी टीम के होम ग्राउंड में हो रहा है तो फ्रेंचाइजी को उस कमाई का 80% मिलता है। इसके अलावा जो टीम लोकली जितने ज्यादा पॉपुलर होगी, लोकल लेवल पर उतने ही उसके स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही चैंपियनशिप प्राइज मनी से भी कमाई होती है। इसका आधा हिस्सा टीम के प्लेयर्स को मिलता है और आधा कंपनी रखती है। मतलब दोस्तों इस गेम में हर तरफ पैसा ही पैसा बरसता है, जो देश की इकोनॉमी के लिए भी बूस्ट करने का काम करता है।